संक्रमित की मौत के बाद दूसरी रिपोर्ट वायरल हुई तो भड़की पत्नी, सीएमओ से बोली साल भर बाद कब्र से निकालकर कैसे की जांच। कोरोना संक्रमण की वजह से जिले में पिछले साल पहली मौत होने के बाद अब इसी नाम के एक और शख्स की इस साल वायरल रिपोर्ट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीएमओ ऑफिस पहुंची मृतक की बेगम ने रिपोर्ट के पति की होने का हवाला देते हुए अधिकारियों से सवाल किया कि कब्र से निकालकर साल भर बाद दोबारा जांच कैसे की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद सीएमओ ने मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल पुराना शहर के हजियापुर निवासी 35 वर्षीय वजीर अहमद पिछले साल 25 अप्रैल को हुई जांच के बाद 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमित निकले थे। 29 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत L3 लेवल के एक मेडिकल कॉलेज में हुई थी। वजीर की पत्नी खुशरमा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुंची, साथ में मोहल्ले के कई लोग थे। उन्होंने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया कि IDSP की वेबसाइट की एक रिपोर्ट उनके पास वायरल होकर पहुंची है। इसमें वजीर अहमद को इस साल अप्रैल में कोविड नेगेटिव बताया गया है। हंगामा करते हुए इसे IDSP की लापरवाही बताया। मैडम आपका नाम? मेरा नाम खुशनुमा है। आज किस मामले में यहाँ आना हुआ? मेरे हस्बैंड वजीर अहमद के मामले में आना हुआ। उनकी 29 अप्रैल 2020 को मौत हो गई थी, जिसे मैंने चीख चीख के कहा था कि उनका मर्डर किया गया है, और आज भी मैं वही कहूँगी। और अब उनकी दोबारा 27 अप्रैल 2021 को उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कोरोना की सोशल मीडिया पर उसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वो किस टाइप की रिपोर्ट आई है? कोरोना की, कोरोना जांच की। जी कोरोना जांच की। उनकी मृत्यु को तो एक साल हो गया, ये रिपोर्ट कहाँ से? यही मैं पूछने आई हूँ उनसे कि ये जब एक साल हो गया तो ये रिपोर्ट किस बेस पे आई है, उन्होंने किस तरीके से उनके सैंपल ले लिया, कि कब्र में जाके ले लिया या कोई और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस तरीके से उन्होंने उनका सैंपल लेके और जांच भेजी है मेरे पास। तो इस संबंध में आज सीएमओ साहब से आप मिली थी, क्या कहा सीएमओ साहब ने? सीएमओ साहब ने सही से मुझे बात भी नहीं करी और बदतमीजी पे आमादा हो गए। किस तरह की बदतमीजी की? सर वो कोई बात सुनने को वो राजी ही नहीं है, वो कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिएगा। अगर आपको ये जवाब नहीं देते हैं तो आगे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं या तो कोई आंदोलन करूंगी या फिर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी।